हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के सैकड़ों जड़ी बूटियों में से आज हम चर्चा कर रहे हैं इंद्रजौ जड़ी बूटी के विषय में। यह एक जंगली पौधा है। भारत में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत व महाराष्ट्र के वनों में पाया जाता है। इस वृक्ष के सभी अंग बहुत उपयोगी है। इसके कोई भी भाग व्यर्थ नहीं होते, यानी इसके पत्ते, फूल, फल, फलियां, छाल, जड़ और बीज सभी अंग बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इनसे हजारों रोगों का इलाज किया जाता है। इस पौधे की लंबाई 5 से 10 फुट तक ऊंचे होते हैं। इनके पत्ते लंबे आकार के होते हैं। इसमें पतली और लंबी लंबी फलियां लगती है। इन फलियों के अंदर जौ की तरह बीज निकलते हैं, उन्हीं को इंद्रजौ कहा जाता है। ये स्वाद में बहुत ही कड़वे होते हैं। इसके फूल भी कड़वे ही होते हैं। इसका वानस्पतिक नाम होलोरेना एंटी डिसेंट्रिका है। संस्कृत में इसे कुटज, इंद्रियो, कलिंग, भद्रियो, वत्सक, इंद्रवृक्ष आदि कहते हैं। हिंदी में करची, दूधी, इंद्रियो, कड़वा इंद्रियो, इंग्लिश में कुर्ची, कॉनेस्ट्री, टेलीचेरी ट्री कहा जाता है। इसके अलावा सभी भाषाओं और सभी प्रांतों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष की दो जातियां हैं, एक को मीठा इंद्रजौ कहते हैं, दूसरे को कड़वा इंद्रजौ। यहाँ हम कड़वा इंद्रजौ की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर दवाइयां कड़वे इंद्रजौ की ही बनाई जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि यह किन किन रोगों में हमें फायदा पहुंचाता है। यह जड़ी बूटी पेट की हर समस्या का समाधान करती है, यानी आपको दस्त है या कब्ज है या पेट दर्द है, गैस या उल्टी की शिकायत है, इन सभी के लिए इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। बुखार की हालात में इसकी छाल का पाउडर या काढ़ा बनाकर लिया जा सकता है। पत्थरी रोग में इसकी जड़ के पाउडर को दही में मिलाकर सेवन करने से पत्थरी टूट टूट कर बाहर निकलती है तथा दर्द में आराम पड़ता है। यदि दांतों में दर्द की शिकायत है तो इसकी छाल के काढ़े से कुल्ले करने से दर्द शांत होता है, साथ ही यह दुर्गंध को भी मिटाता है। दस्त बंद करने के लिए यह एक रामबाण औषधि है। दस्त चाहे साधारण हो या खूनी दस्त हो, इंद्रजौ की छाल का काढ़ा दिन में 3 बार पिलाने से आराम पड़ता है। शरीर के घाव या जख्मों को शीघ्रता से कम करने के लिए इसके काढ़े से घाव को धोने से घाव शीघ्र भरता है। खूनी बवासीर के लिए इंद्रजौ के बहुत फायदे हैं। यौवन शक्ति बढ़ाने के लिए भी इसका सेवन किया जाता है। डायबिटीज के रोगी के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। इंद्रजौ के फूल या पत्तों का चूर्ण बनाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रोजाना सेवन करने से शुगर नियंत्रण में रहती है। त्वचा रोग में भी इसके बहुत फायदे हैं। इसके कड़वा स्वाद होने के कारण यह रक्त शोधक है, यानी यह खून को साफ करके त्वचा में होने वाले सभी रोग समाप्त करता है। सभी प्रकार के पित्त रोग को यह शांत करता है, क्योंकि यह पित्त शामक है, शरीर को ठंडक देता है। दाग, धब्बे, फफोले, फोड़े, फुंसी, खाज, खुजली, एक्जिमा, सूजन, मुहासे सभी को दूर करने में यह सक्षम है। इसका फेस पैक बनाकर भी चेहरे पे लगा सकते हैं। शरीर में कहीं पर भी जलन हो इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले गुण है। इसका पित्त शामक गुण जलन मिटाने में लाभदायक है। यह रक्त को शुद्ध करके रक्त के सभी विकारों को दूर करता है और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर की ओर फेंकता है। इसका चूर्ण 2 से 3 ग्राम तक ले सकते हैं। इसका काढ़ा 25 से 50 मिलीग्राम तक पिया जा सकता है। यह बवासीर, संग्रहणी रोग, अपच, रक्त विकार, त्वचा रोग, श्वास रोग, मलेरिया, बुखार उतारने के लिए इसकी छाल के पाउडर को
चावल की मांड के साथ सुबह शाम लेने से आराम पड़ता है। इसे पाउडर के रूप में, गोली के रूप में, काढ़े और सिरप के रूप में भी ले सकते हैं और बाहरी अंगों के लिए तेल तथा लेप लगाया जा सकता है। इसकी छाल के पाउडर को आधा से एक चम्मच एक कप पानी में उबालकर आधा रह जाने पर छानकर पिया जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें सिर्फ एक जानकारी है। यदि आपको कोई समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों।